अम्बाला शहर में नगर निगम वार्ड नंबर 10 के कांग्रेसी पार्षद मिथुन वर्मा की ओर से अम्बाला शहर के रेलवे रोड स्थित पोस्ट ऑफिस वाली गली के निर्माण कार्य का शुभारंभ मां दुर्गा शक्ति की प्रतिमा को पुष्पमाला पहनाकर और पूजा अर्चना करने के उपरांत निर्माण कार्य का श्री गणेश वार्ड की सम्मान शख्सियत विजय तुली की ओर से कसी चलाकर किया गया। मिथुन वर्मा ने बताया कि नगर निगम से इस कार्य के लिए 5 लाख रुपए का टेंडर पास हुआ है। इसके अंतर्गत दोनों ओर की नालियों में अंडरग्राउंड पाइप डालकर गली का निर्माण कार्य किया जाएगा। उन्होंने वार्ड वासियों से कहा कि क्षेत्र के विकास कार्य को निरंतर गति प्रदान की जा रही है और प्राथमिकता के आधार पर सभी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। मिथुन वर्मा ने कहा कि अब तक वार्ड में लाखों रुपए की लागत से अनेक विकास कार्य करवाए जा चुके हैं और जल्द ही शेष बचे विकास कार्यों को भी पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 10 के लोगों के विकास से जुड़ी सभी जायज मांगों को एक एक करके पूरा किया जा रहा है। क्षेत्रवासियों की जो भी समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 10 उनका परिवार है, ऐसे में इस वार्ड के लोगों को अपने कार्य करवाने में कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। इस मौके पर देवेंद्र वर्मा, राहुल, दीपक, चंदन, रोमा, विजय तुली, अजय पाल सिंह, रमेश कुमार सूद, चंदन, जितेंद्र कुमार, बब्बू तुली, सागर, ज्योति, रेखा, रमनपुरी, राजेश कुमार, इंद्र गुलाटी, अमित बंसल समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। ये जो हम जब भी रिक्वेस्ट लेके गए हैं इनसे एमसी साहब के पास, तो इन्होंने बड़े आराम से सुनी है हमारी, और वो कहते हैं कि जब भी अलॉटमेंट होगी पैसे की तो हम शुरू कर देंगे और बहुत ठीक तरह से जो है ना इसका निकासी हो जाएगी। पर अभी तक तो निकासी नहीं थी ना, अब आगे से इन्होंने अंडरग्राउंड जो बनाने हैं उससे होप तो है, होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है ठीक तो हो जाए सारा कुछ। यही हमारे काम, ये कहना चाहूँगी, हम बहुत परेशान थे इतने दिनों से, ये गली का कार्य जो अधूरा हुआ था लेकिन अधूरा पड़ा हुआ था, तो हमें तो लग रहा था हम उम्मीद ही छोड़ चुके थे इस चीज़ की कि नहीं कभी होगा भी पूरा, लेकिन वर्मा जी के सहयोग से हुआ है। तो हम बड़े खुश हैं, प्रसन्न है कि चलो साफ सफाई मतलब हर तरह से, ये गली में हम परेशान थे इस गली के लोग, तो अब ये कार्य सम्पन्न होगा तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। बहुत काफ़ी समय से जो इस गली की डिमांड थी, यहाँ पर नालियाँ नहीं हैं और गली जो है वो आधी बहुत समय पहले बनी थी, आधी जो है पेंडिंग थी और गली वाकई टूटी पड़ी थी, काफ़ी हालत ख़राब थी, तो बरसात में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये रेलवे रोड पर पोस्ट ऑफिस वाली गली के नाम से इसके लिए काफ़ी टाइम से मैं प्रयास कर रहा था, तो अब जा कर के हमारा ये एक और जो है कार्य सफल हुआ है। इस गली में नालियों को अंडरग्राउंड करा जाएगा और पाइप डाल करके और जो टाइलों से इसको बनाया जाएगा, लगभग 5 लाख रुपए की लागत से ये गली का निर्माण संभव हुआ है। और जो इसी कड़ी में माताओं के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा माता रानी का पहले तो माथा टेका है और फिर तिलक लगा करके आरती करके फिर भूमि पूजन किया गया, वो सब हमारी माताओं द्वारा जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके द्वारा। देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक नाला है जो लगभग 35 साल से बंद पड़ा था और उसका निर्माण कार्य आपने देखा होगा कि जानकर बनते पाइप जो है उसमें डाल करके उसको शुरू करवाया जा रहा है। उससे आने वाले समय में जो पानी की निकासी में एक नाले से पानी निकल रहा था, अब दो नालों से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, काफ़ी जो है बहुत बड़ा रिलीफ है। शुरू किया गया और आज ही शिलान्यास भी किया इसका, वर्मा जी की वर्मा जी का बहुत बहुत सहयोग है और ये शुरू से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक पूरे शहर का काम भी हो रहा है। अब इन्होंने अभी ये नाले का भी निर्माण शुरू करवाया है, गली का काम तो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था, लेकिन कोई हम कई बार कई जगह गए हैं, एप्लीकेशन भी थी, कोई काम नहीं हुआ। आज वर्मा जी के सहयोग से इन्होंने अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, हमें इस बात की खुशी हो रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।